80 के दशक में बहुजन समाज के नेताओं ने उभरना शुरू किया। उससे पहले भारतीय राजनीति पर ब्राह्मण नेताओं का एक छत्र राज था। 1989 में मंडल आयोग की सिफारिश को OBC आरक्षण के रूप में लागू किया गया। पार्लियामेंट पर बहुजन नेताओं और बहुजन राजनीतिक दलों के दबदबे से ब्राह्मण लॉबी डर गई। पार्लियामेंट पर अपनी पकड़ कमजोर देखकर ब्राह्मणों ने 1993 में कॉलेजियम लागू कर सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। ओबीसी आरक्षण के बाद ब्राह्मणों ने पलटकर जवाब दिया। बहुजन नेता इसका तोड़ आज तक खोज नहीं पाए। वैसे भी अब बहुजन नेता पार्लियामेंट में असरदार नहीं है। पुराने दिग्गज बहुजन नेताओं ने नए नेताओं को ब्राह्मण लॉबी से लड़ने के लिए तैयार नहीं कर पाए। बहुजन नेताओं की कमजोरी उनका निजी एम्बिशन है। मिशन से ज्यादा एम्बिशन को महत्व देने के कारण बहुजन नेताओं और राजनीतिक दलों ने पार्लियामेंट पर अपनी पकड़ खो दी। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भीम।